इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि मन अच्छा है, दिल सच्चा है तो हर रोज सुख होगा। तो दोस्तों, मन अच्छा रखें, दिल को अच्छा रखें, हर रोज आपके जीवन में सुख होगा। यही एक सुख को प्राप्त करने का छोटा सा फॉर्मूला है। अपने जीवन को खुशहाल करें, मन को अच्छा रखें और अपने विचारों को अच्छा रखें, जिससे कि आप जीवन में उन ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकें जो आज तक किसी ने प्राप्त नहीं की हैं। तुम्हारा क्या गया है जो तुम रोए हो? तुम क्या लाए थे जो तुम्हारा खो गया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, तुमने जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। दोस्तों, हम रोते रहते हैं कि हमारा ये नुकसान हो गया, हमने ये खो दिया, ये सब कुछ यहीं पर था और हमने यहीं पर आकर प्राप्त किया और यहीं पर उसको हमने विलीन कर दिया। तो इस मैटर के ऊपर हमें कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। जो था हमारे पास वो यहीं का था, हम क्या लेकर आए थे जो हम खो जाने के गम से रोने लगते हैं। तो अपने जीवन को सार्थक बनाएं, कभी भी ऐसी धारणाओं में फंसकर ना रहें। अगर आपके पास से कोई चीज़ खो जाती है तो आप फिर से प्रयास करें उसे पाने के लिए, और फिर से आपको वह मिलेगी और अपने जीवन को सार्थक बना सकेंगे। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया, ये सब अपने मन से मिटा दो, फिर देखो सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। दोस्तों, हम एक दूसरे के अंदर एक अंतर रखते हैं कि ये मेरा है, ये उसका है, ये अपना है, ये पराया है, तो इसी चीज़ से हम इस समाज से कट जाते हैं। अगर हम सबको अपना मान के चलेंगे तो समाज भी हमें अपना मानकर चलेगा। ये फैक्ट है, ये सच्ची बात है। आप एक बार इस प्रयास को करके देखिए, फिर तमाशा देखिए। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है, ये बात आपको मालूम है। दोस्तों, कई बार जो बच्चे ऊंचे घरों में जन्म ले लेते हैं तो आपको लगता हो भाग्य अच्छा है, लेकिन दोस्तों उसने कुछ कर्म किया होगा, उसके कर्मों के अनुसार उसको ऊंचे घर में जन्म मिला है। तो हमेशा कर्म प्रधान होता है जीवन के बारे में। अच्छे कर्म करो, आपको अच्छा नतीजा मिलेगा। सदा संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है और ना परलोक में है। जो हमेशा संदेह करता रहता है इंसान, उसको कभी भी शांति नहीं मिलती है, क्योंकि उसके सामने अगर कोई इंसान अच्छा कार्य भी करता है तो हमेशा वह उसके कार्य के ऊपर डाउट करेगा, संदेह करेगा, और वह कभी भी उस असीम सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है जो ज़्यादातर लोग सुख को प्राप्त करते हैं कोई सही काम हो जाने पर। क्योंकि कोई भी कुछ भी काम करेगा, उसके बच्चे हैं, उसका भाई है, कोई भी अगर उसकी भलाई के लिए सोचेगा, वह हमेशा उन्हें तिरछी दृष्टि से देखता रहेगा कि कहीं इसमें इसका तो फायदा नहीं है। तो संदेह करने वाला इंसान कभी भी जीवन के अंदर पूर्ण आनंदित नहीं हो पाता है। तो संदेह करना बंद करिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो जाइए। जो इंसान जिस प्रकार से ईश्वर को पाना चाहता है, ईश्वर की स्मृति करता है, ईश्वर उसे उसी रूप में प्राप्त होते हैं। कंस ने ईश्वर को, श्री कृष्ण भगवान को मृत्यु के रूप में याद किया था बहुत दिनों तक, तो उसे मृत्यु के रूप में प्राप्त हुए। तो इंसान को उसी रूप में भगवान का स्मरण करना चाहिए जिस रूप में आप भगवान को पाना चाहते हैं। परमपिता परमात्मा सबके ऊपर आशीर्वाद बनाकर रखते हैं, आपके ऊपर भी आशीर्वाद उनका जरूर बनेगा अगर आप निरंतर प्रयास करते हैं उन्हें स्मरण करने का। श्रेष्ठ पुरुषों को हमेशा अपने पद और गरिमा के हिसाब से कार्य करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुषों का दायित्व है समाज के प्रति कि कुछ ऐसा करें जो समाज में गलत संदेश ना जाए, जिससे कि उससे नीचे वाले लोग हैं वो भी ऐसा कुछ गलत कदम ना उठाएं। आप सही कर्म करोगे, सही कदम उठाओगे जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, तो आपकी कॉपी छोटे वाले लोग करेंगे और वो भी अच्छा ही काम करेंगे। तो यह अनुरोध है कि कभी भी श्रेष्ठ पुरुष को कोई गलत काम नहीं करना चाहिए जिससे कि उसके माथे पर दाग लगे। अच्छा काम करें, समाज को अच्छी सूचना दें, अच्छी चेतावनियां दें, लोगों को प्रेरित करें अच्छा काम करने की, यही दायित्व होता है श्रेष्ठ पुरुषों का। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के सभी जीवों को जानता हूँ, लेकिन असलियत में मुझे कोई नहीं जानता। तो इसका मतलब ये है कि लोग जब इस संसार में जन्म लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने काम धंधों में लग जाते हैं, उस परमपिता परमात्मा का नाम लेना भी दुश्वार हो जाता है उनके जीवन में। तो उस परमपिता परमात्मा का नाम लेते रहिए, अपने किसी भी कार्य को करोगे और परमात्मा का नाम लोगे तो वह कार्य आपका जरूर संपूर्ण होगा, उसमें आप कभी भी फेल नहीं हो सकते हैं। आप ये करके देख लीजिए एक बार, आप हमेशा फायदा ही उठाएंगे उस ईश्वर के नाम का। मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए, जैसे विद्यार्थी का धर्म है शिक्षा ग्रहण करना, सैनिक का धर्म है देश की रक्षा करना, किसान का धर्म है लोगों के लिए अन्न पैदा करना। जिस मानव का जो कर्तव्य है उसे वह पूर्ण करना चाहिए।
कभी भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। तो अपने कर्तव्य को निभाते रहिए, जो भी आपका कर्तव्य है उस कर्तव्य की तरफ ध्यान दीजिए, उसको पूर्ण तरीके से निभाते रहिए। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय की अंधकार में और अज्ञान संदेह को काटकर दूर फेंक दीजिए और अपने जीवन में अनुशासित रहना चाहिए। अनुशासन सबसे बड़ी चीज़ होती है जीवन के लिए। अगर आप अनुशासित रहोगे तो आप अपने सभी कार्यों को समय रहते हुए निपटा पाओगे, लेकिन अगर आप अपने जीवन के अंदर अनुशासित नहीं हैं, अनुशासन का पालन नहीं करते हैं, तो किसी भी कामयाबी को आप प्राप्त करने का आपका सिर्फ और सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। तो अनुशासित रहें अपने जीवन में, हर काम को सही समय पर करें और अनुशासन का पालन करें, परमात्मा को याद करें और अपने कार्यों को अनुशासित तरीके से करें। मनुष्य का मन इंद्रियों के चक्रव्यूह में फंसा रहता है, लालच, वासना, क्रोध, इन सभी चीज़ों में फंसा रहता है। इसलिए मनुष्य का अपने मन और अपनी आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। मन को काबू में कर लोगे तो आप सफल हो जाओगे, अपने जीवन को सार्थक बना लोगे। मन ही बुरा कार्य करवाता है और मन ही अच्छा कार्य करवाता है, इसलिए मन की बागडोर को अपने हाथों में कसकर पकड़ लीजिए तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। जीवन में कोई ऐसी विपदा नहीं होगी जिसकी वजह से आपको शर्मसार होना पड़ेगा।